मुंगावली में पदस्थ शिक्षक परमाल सिंह रघुवंशी की एक नई मुहिम के अंतर्गत पुरानी किताबों को दोबारा उपयोग में लेने की बात कही गई है। हालांकि इस बात से बच्चों को आगे पढ़ने में काफी सहूलियत भी मिलेगी। वहीं स्कूली बच्चों के अभिभावक भी हर साल नई किताब खरीदने का वह बोझ भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों के चल रही मनमानी भी इससे कंट्रोल में आ जाएगी। इसी के चलते आज स्थानीय सम्राट होटल में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाजजनों के अध्यक्षों ने शिरकत की। वहीं सभी ने एकमत होकर इस बात के लिए सहमति भी दिखाई। कोर्सेज बदल जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूल में, तो निकल हम तो ये नहीं चलाते, हम तो ये चलाते हैं। उसका प्रॉफिट ये होता है कि प्रकाशक पुस्तकें छपती हैं और बिकती हैं। अब एक सी शिक्षा प्रणाली होगी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नए साल में पुरानी किताबें उपयोग हो सकेंगी। अब उपयोग इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि उनने अगले साल नई किताब बदल दी। अब पुरानी किताब को कौन लेगा, ये कौन पढ़ेगा उसको, वो रद्दी से भी बेकार हो जाता है। इसलिए भी अपन को एक मुहिम ये तो चलाना ही है, लेकिन इसके साथ में भी अपन को एक ये लगाना है कि दोहरी शिक्षा प्रणाली कैसी बदलवानी, कोई गणित है कोई विज्ञान है। एक कॉन्फ्रेंस है, बैठक है, समस्त गुना के 67 समाज अध्यक्ष हैं। इसमें समाज अध्यक्ष, संगठन अध्यक्ष, प्रतिनिधि, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा साहब, विधायक महोदय चाँचौला, विधायक महोदय गुना एवं जिला पंचायत अध्यक्ष गुना सहित समस्त समाज जो है, रघुवंशी, यादव, कोड़ी, कुशवा, मराठा, सिंधी, बोरा, अग्रवाल, ब्राह्मण, माहेश्वरी, मुस्लिम, जाटव, शहरी, आयरवा, प्रजापति, पारधी, जैन, सोनी, साहू, लोधी, करियार, केवट, पाधी, मेघ, चित, राजपूत, ज्योताम्बर, जैन, पूजा, किरार, भाई, तुलार, गौरी एवं गायत्री परिवार सहित समस्त 67 संगठनों